विशाल नहीं आया क्या? नहीं, चलो देखो, जैसा कि कल मैंने इस चैप्टर में आप लोग को बता दिया, एक छोटा सा रिकैप करा देते हैं ताकि आप लोग का फिर है ना रिवीजन हो जाए। ये चैप्टर है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत मतलब कि जब दिल्ली में मुस्लिम राजाओं का शासन होने लगा, मुस्लिम लोग यहाँ के राजा बन गए, और यहाँ पे दिल्ली में जो मुस्लिम राजा हुए उनको सुल्तान कहा जाता था। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में, हिंदू में कहते हैं ना राजा, राजाधिराज, तो मुसलमान लोग सुल्तान कहते। तो दिल्ली में सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 1191 में मोहम्मद गौरी आया था, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फिर 1192 में फिर मोहम्मद गौरी आया और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गया। वो अफगानिस्तान का सुल्तान था मोहम्मद गौरी। जब दूसरी बार उसने मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो कि उस समय दिल्ली के राजा थे, तो उसने यहीं पर अपनी, यहीं का वो राजा या सुल्तान बन गया फिर मोहम्मद गौरी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब 1206 में, 1206 में वो अफगानिस्तान जा रहा था कुछ काम से, वहां विद्रोह हो गया था उसको खत्म करने के लिए, तो यहाँ पर भारत में उसका जो गुलाम था, जो स्लेव था, है ना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना पूरा का पूरा यहाँ का चार्ज दे दिया कि आप संभालना, तब तक मैं जब तक जा रहा हूँ आप देख रेख करना, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात ना। रह गया यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक, वो चला गया। जाते समय रास्ते में ही उसका मर्डर कर दिया किसी ने, हत्या कर दी मोहम्मद गौरी की। तो यहाँ पर कौन राजा बन के रह गया? जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि आप मान लो कि वैष्णो देवी जा रहे हो, आप क्यों जाओ, कोई आपका दुश्मन जाए, कोई कोई भी आदमी हो वैष्णो देवी जा रहा है, उसने कहा पड़ोसी को कि ये लो ताला चाबी, ताले की चाबी दे दी कि देखना आप, मैं आऊंगा हफ्ते 10 दिन में, अब देख रेख करना, कोई दिक्कत ना। वो गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, और वो जाके उधर बेचारे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो उस घर का मालिक कौन होगा? चाबी तो आपके पास है ना, आपके कस्टडी में दे गया है, तो वहां की देख रेख आप कर रहे हो, तो आप ही उसके मालिक हो गए। तो उसी तरह जब मोहम्मद गौरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत का सुल्तान बन गया। ठीक है, गुलाम का मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम लोग तरबूज, आलू, ककड़ी, खीरा खरीदते हैं ना, उस जमाने में लोग आदमियों को खरीद लेते थे और उनको गुलाम कहा जाता था। बाजार से जाएंगे, गुलाम खरीद के लाएंगे, उनसे खेती बाड़ी का काम कराना, घर की साफ सफाई का काम कराना, नौकर बना के रखते थे, बहुत तरह के काम करते थे, लेते थे। और कुछ लोगों को युद्ध में भी शामिल, जो तगड़े होते थे, अच्छा लड़ाकू योद्धा होते थे, वो लड़ाई में भी उसके तरफ से भाग लेते थे, उसके बॉडीगार्ड बन जाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसा ही गुलाम था जिसको कि एक जमाने में मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। कल मैंने ये भी बता दिया था। तो जैसा कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो पहली डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब कि वंश, किस वंश की या किस डायनेस्टी के सारे राजा होते गए, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर दिल्ली में जो मुस्लिम लोग आए तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, उस डायनेस्टी या उस वंश के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राजा बने। और पहला कौन था ऋतिक, स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? हाँ बताओ बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही। बैठ जा वंश, विशाल जल्दी आ बेटा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ठीक है, वो स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद वही राजा बना और कुछ दिनों तक यहाँ पे राज किया, 4 साल तक 1206 या 1206 से 1210 तक वो दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसके बाद 1210 में हॉर्स पोलो आप सुना होगा अपने, घोड़े पे चढ़ करके ना वो डंडे से बॉल को मार के खेलते हैं कुछ, उसको चौगान कहा जाता था, अरबी भाषा में चौगान कहा जाता था हॉर्स पोलो को। उसका बड़ा शौकीन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, खेल रहा था तो उसी समय घोड़े से गिरा और घोड़े से गिरने के चलते उसको कुछ चोट आई जिससे के चलते वो मर गए। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला, बहुत बड़ा दान आदमी था। ठीक है, साथ ही साथ अजमेर जो कि राजस्थान में है वहां पर उसने हिंदुस्तान का पहला मस्जिद भी बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिनों के अंदर वो पूरी की पूरी मस्जिद बन गई थी। पहले मंदिर था, उसके ऊपर के मंदिर में कैसा होता है, शेप होता है ना, वी शेप में ऊपर होता है, तो उसको तोड़ करके उसमें ना गोल, और मस्जिद में कैसा होता है गुंबद, है ना, डोम होता है जो ऊपर होता है इस तरफ गोलाकार होता है ना, माने जो कटोरा नहीं होता डोंगा हम लोग का, उसको अगर मुद्दा रख दो मतलब उल्टा रख दो तो उसी टाइप की छत होती है, तो वैसा उसने बना दिया। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो दामाद, दामाद समझते हैं बटेयू, उसकी बेटी का हस्बैंड, उसका नाम था इल्तुतमिश, वो वहां का दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक से भी ज्यादा काबिल आदमी था, अच्छा योद्धा था, उसको सैन्य, उसकी सैन्य जो भी है ना शक्ति भी ज्यादा थी, मतलब कि मिलिट्री स्किल जो होती है ना, लड़ने की क्षमता, योजना बनाने की, युद्ध लड़ने की, इस सब में बहुत ही ज्यादा वो तेज तरार था। एक दिन में कोई मरता है मतलब मर सकता है, डिपेंड करता है कि वो तीर लगी कहाँ है। ठीक है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं, फालतू क्वेश्चन लेके मत आओ मेरे पास, शांत शांत रहो। तो उसके बाद इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है, राजा बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक चीज मैं भूल गया बताना, कल तो बता ही रखा था कि कुतुबुद्दीन दिल्ली में कुतुब मीनार देख रहे हैं ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले बनवाया था। इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो उसने थोड़ा कुछ, मैंने थोड़ी नींव डलवाई थी, थोड़ा कुछ बनवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने जो कुछ इसके ऊपर के फ्लोर बनवाए, उसके बाद इल्तुतमिश के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत सालों बाद एक राजा बना दिल्ली का, सुल्तान बना, उसने बनवाया। और सबसे लास्ट में जब तुगलक वंश आया, तुगलक डायनेस्टी, तो उसका फिरोज शाह तुगलक ने इस कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। इल्तुतमिश के 3 या 4 बेटे थे, सबसे बड़े बेटे का नाम रकनुद्दीन फिरोज शाह था और बेटे का नाम रजिया सुल्तान था। इल्तुतमिश जब मरा तो उससे पहले, मरने से पहले इसने 2-3 बड़े बड़े काम किए। पहला, इक्तेदारी की जो सिस्टम थी वो चलाई थी। जैसे कि बेटा आपको पता है भारत में, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो भारत 28 टुकड़ों में बटा है ना, और हर एक बड़े बड़े टुकड़े को स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो उस समय इल्तुतमिश का जो राज्य था, जितना बड़ा भी इलाका था, तो उसके जो जितने भी टुकड़े थे, तो हर एक टुकड़े को इक्ता कहा जाता, हम लोग स्टेट कहते हैं, वो इक्ता कहता था। जिस तरह हर स्टेट का एक मालिक होता है, चीफ मिनिस्टर होता है या गवर्नर अभी होता है ना, तो उस समय उस चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को इक्तेदार कहा जाता था। और ये इक्ताएं किसी बड़े सरदार को या मिनिस्टर को दी जाती थी एज ए सैलरी, मतलब कि जो उतना बड़ा स्टेट था तो हर स्टेट से टैक्स लिया जाता है ना, लोग टैक्स देते हैं, तो उससे जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता था, लोग टैक्स इकट्ठा करते थे, वो सारा का सारा किसको मिलता था, उस इक्तेदार को, वही उसका, उसकी सैलरी हो जाती थी। उसने चांदी के मतलब सिल्वर और तांबा मतलब कि कॉपर के 2 तरह के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था, क्वेंस को, सिल्वर क्वेन को, और जो कॉपर क्वेन थी मतलब तांबे के जो सिक्के थे, क्वेंस थे, उसको जित्तल कहा जाता था। ये 2 तरह के इसने सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, अब बात आती है रजिया सुल्तान की, जहां से हमारा स्टार्ट। देखो, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा रकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन वो काबिल नहीं था, उसको शासन चलाना नहीं आता था। ठीक है, तो सब मंत्रियों ने मिलकर के, जितने भी मिनिस्टर लोग थे वहां पे, सरदार लोगों ने कहा कि रकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा के रजिया को, रजिया सुल्तान को यहाँ का सुल्तान बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की क्वीन बनती है, रानी बनती है, इल्तुतमिश की बेटी होती है ये, और पूरे के पूरे मोहम्मडन वर्ल्ड में, मुस्लिम जगत में, मुस्लिम वर्ल्ड में आज तक कभी भी कोई औरत
राजा या रानी नहीं बनी थी, रानी नहीं बनी थी मतलब कि हेड नहीं बनी थी, सुल्तान नहीं बनी थी। रजिया सुल्तान पहली ऐसी मुस्लिम लेडी थी जो कि राजा बनी थी या रानी बनी थी, ठीक है, पूरा जो सुल्तान का जो काम है वो करती थी। लेकिन बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द नोबल टू द सुपर विलियन टू अ वुमेन एंड देयर फॉर द नोबल्स ऑफ मुल्तान लाहौर एंड बदायूं रिवॉल्टेड अगेंस्ट हर। वहां के मंत्रियों ने तो कह दिया कि ये सुल्तान बन जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली में कोई अभी क्या है प्राइम मिनिस्टर कोई लेडीज होंगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टेट के सीएम कह दें कि भाई हम तो किसी लेडीज सीएम के अंदर काम नहीं, प्रधानमंत्री के ऑर्डर नहीं मानेंगे, है ना, नहीं कहते कि मर्द होकर के औरत की बात नहीं सुनेंगे, ऐसा मैंने पहले जमाने में लोग सोचते थे। तो लाहौर मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में, उसमें तो भारत का हिस्सा था, और बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला, यहाँ के जो गवर्नर थे ना, समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी वो पूरा का पूरा जो सल्तनत था या इस पूरी कंट्री थी जहां तक जीत रखा था इल्तुतमिश का जो राज्य था, वो बहुत सारे इकतों या टुकड़ों में बटा हुआ था। तो हर इकता या हर एक छोटे से टुकड़े का एक इक्तेदारी सरदार तो होता ही था। तो बदायूं मुल्तान और लाहौर का जो सरदार था ना, जो हेड था, उसने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया कि हम इसके अंडर में नहीं रहेंगे, इसके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, इसको हम अपना राजा या अपना सुल्तान नहीं मानने वाले। रजिया, रजिया सुल्तान बनी थी ना, वहां की पूरी सुल्तान बन गई थी दिल्ली की। तो कुछ लोग कहने लगे मुल्तान लाहौर और बदायूं तीन जगह के जो सरदार थे, हेड थे, उन्होंने बोला कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, इसको हम अपना सुल्तान मानते नहीं है, बोला कि हम आजाद हैं, हम उसके अंडर में है ही नहीं, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखो दो नाम याद रखना आप लोग, मलिक याकूत, YAKUT, मैंने अंडरलाइन कर दिया वीडियो में, मलिक याकूत और दूसरा नाम अल्तुनिया, ये दोनों याद रखिएगा। देखो रजिया सुल्तान का मैरिज तो हुआ नहीं था, सुल्तान बनी हुई थी, तो मलिक याकूत और मेरे आखूर, आपके बुक में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आगे जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उस जमाने में आपको पता है कि राजा लोग जो होते थे सेना रखते थे, और अश्व सेना भी होती थी, हॉर्स आर्मी होती थी ना, तो पूरा जो जितने भी हॉर्स होते थे उनकी देखरेख करने के लिए या जो उनका मैनेजमेंट करने के लिए जो आदमी होता था, जो मिनिस्टर होता था, ऐसा आदमी जो पूरे कंट्री के घोड़ों का हेड होता था, मतलब कि घोड़े के जितने सैनिक होंगे या जितने भी घोड़े होंगे, किसको रखना है, किसको कहां से खरीदना है, क्या करना है, उसका हेड होता था, उसको अमीरे आखूर कहा जाता था। और इस पोस्ट पे रजिया सुल्तान ने एक आदमी को अपॉइंट किया था, मिनिस्टर बनाया था, उसका नाम था मलिक याकूत, ठीक है, वो उसका एक तरह से क्या कहते लवर भी था, ठीक है, रजिया सुल्तान का। इस बात को देख करके जो भी मंत्री थे या जो भी थे वो खुश नहीं थे और चाहते थे कि अब रजिया को जल्दी से जल्दी सत्ता से हटा दिया जाए, जो भी थ्रोन थी या गद्दी पे बैठी थी इसको हटा दिया जाए। तो अलग अलग जगहों से विद्रोह होने लगे, रिवॉल्ट होने लगे रजिया सुल्तान के खिलाफ। पहले तो तीन जगह का नाम बताया मैंने, मुल्तान लाहौर और बदायूं, ठीक है, भटिंडा पाकिस्तान का एक जिला है, सुना होगा आप लोगों ने, तो वहां पे अल्तुनिया नाम का सरदार था। अल्तुनिया आप लोगों के बुक में ही है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, तो अल्तुनिया नाम का जो सरदार था उसने भी विद्रोह कर दिया, और वो विद्रोह बड़ा था। रजिया सुल्तान खुद गई उसको दबाने के लिए, उसको मार करके, है ना, विद्रोह को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए रिवॉल्ट को, वो खुद जाती है, और देखिए फिर क्या होता है। देखो तो उस युद्ध में जो अल्तुनिया के साथ होता है, वॉर में या बैटल में, सॉरी बैटल में, वॉर नहीं कर सकते अभी की, जो छोटे मोटे दो लोगों के बीच में जब लड़ाइयां होती है ना राजाओं में, तो बैटल कर,
तो इस तरह के भटिंडा के बैटल में क्या हुआ कि रजिया सुल्तान मारी जाती है, इसको मार देता है लोग, लेकिन फिर भी जितने दिन भी वो शासन करती है ये दिखाती है कि एक औरत भी कितने अच्छी तरह से शासन चला सकती है, सुल्तान बन के रह सकती है, अगर उसको लोग सपोर्ट करते तो बहुत अच्छी राजा साबित होती या रानी साबित होती, सुल्तान साबित होती। वो जो उस जमाने में आपको पता है कि औरतें हमेशा पर्दे में रहती थी, मुस्लिम औरतें बुर्का पहन करके जो भी, लेकिन वो है ना बिल्कुल पुरुषों की तरह, जैसे जो लोग पुरुष पहनते हैं जेंट्स पहनते हैं उस तरह के कपड़ों में रहती थी, ठीक है। तो इस बात को लेकर के बहुत लोगों को तकलीफ थी। रजिया सुल्तान के बाद स्लेव डायनेस्टी में मैंने आपको तीन नाम बताया ना, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिस बना, उसके बाद रकनुद्दीन फिरोज शाह था, लेकिन मेन आदमी तो मेन जो भी सुल्तान बना वो तो रजिया सुल्तान ही थी, तो तीन लोग तो मेन थे। इसके बाद भी बहुत सारे लोग 1266 तक, मैंने आपको बताया था ना कि 1206 मैंने 1206 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना, सुल्तान बना दिल्ली का, और उस समय से लेके 1266 तक, मतलब कि 60 सालों तक, 60 इयर्स तक गुलाम डायनेस्टी है ना या स्लेव डायनेस्टी का राज पूरे दिल्ली पे था, इस 60, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद इसका एक और राजा बनता है, उसका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, ये भी स्लेव डायनेस्टी का ही राजा था, समझ रहे हैं ना। देखो बेटा दिल्ली में 1206 में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई, इस ये 1266 में खत्म हो गई 1266 में, उसके बाद आई खलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और उसके बाद लोदी डायनेस्टी, ये पांच डायनेस्टी आई थी। हम लोग अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी की, जो 1206 से लेके 1266 तक। मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगा, एक पेज है ना चार्ट बनवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा, और नोट्स में भी है यहाँ पर, ये तो दिया हुआ है, मैं यहाँ पे उसको सर्कल कर देता हूँ। तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिस, उसके बाद रजिया सुल्तान, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था ग्यासुद्दीन बलबन, ये अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग किंग था और सुल्तान था स्लेव डायनेस्टी का। इसके बारे में देखिए क्या है, He was one of the great ruler of the slave dynasty and followed the policy of blood and iron. ये blood और iron की policy में विश्वास करता था। ये blood और iron की policy क्या है? देखिए, he tried to strengthen his hold over the kingdom by taking the following measures. लौह एवं रक्त की नीति, कि अगर कोई भी बात मेरी नहीं मानेगा, जो मेरे सामने झुकेगा नहीं, ठीक है, जो मुझे अपना राजा नहीं मानेगा, जो विद्रोह करेगा या ऐसी बात करेगा, मैं उसको उसका कत्ल कर दूंगा या उसकी हत्या करके उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है, ये उसकी नीति थी। इसने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे स्टेप्स लिए, और उसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने अंडरलाइन कर दिया है नोट्स में, वीडियो मिलेगा आपको। ही इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, जासूसी व्यवस्था उसने बनाई, जासूस जो स्पाई होती है ना, स्पाई SPY, स्पाई मींस जासूस, तो उसने अपने जासूसी डिपार्टमेंट बना लिए, जासूसी विभाग। और उसमें देखिए क्या हुआ, उसमें ऐसे ऐसे ऑफिसर्स रखे गए जो हर जगह की बात को बताते थे कि कहीं मंत्रियों के बीच में कोई विद्रोह की बात तो नहीं चल रही, राजा के खिलाफ तो कोई बात नहीं हो रही, प्रजा जो या जो भी पीपल लोग हमारे देश में है वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं, तो सारी सूचनाएं या इंफॉर्मेशन उसको मिलते रहती थी, और जहां भी उसके खिलाफ काम होता था वहां पर वो आर्मी भेज करके उनको खत्म करवा देते। तो ये एक पहला था सिस्टम। उसके बाद देखिए अगला था कि ही पुट फॉरवर्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, according to which the king, the sultan, is the representative of God on the earth. He introduced the practice of sijda. Okay? This was a practice where people were required to kneel and touch the ground with their forehead in sultans to the king.
सैल्यूटेशन टू द किंग सर लाइक इट इज डन फॉर द गॉड्स ही मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्टियर नोबल ही हिमसेल्फ केट कंट्रोल ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक अपॉइंटमेंट एज पर हर चूजिंग ही क्रश द रिवॉल्ट बाय मेवाड़ी राजपूत एंड रिवेलियन इन द दुआव एरिया विच क्रिएटेड अ रीजन ऑफ टेरर्स. देखिए डिवाइन राइट ऑफ द किंग पहला कॉन्सेप्ट है. डिवाइन राइट ऑफ द किंग मतलब राजा का दैवीय अधिकार. राजा जो है भगवान ही है. धरती पे जो राजा है वो भगवान का दूसरा रूप है. हम लोग भोले के मंदिर जाते हैं किसी भगवान के मंदिर तो क्या करते हैं दंडवत करते हैं ना दंडवत. तो हिंदी में दंडवत मतलब एकदम सीधे सर झुका के सर पटक करके भगवान के सामने जो प्रणाम करते हैं भगवान को समझ रहे हैं ना. अरे लोग सो जाते हैं दोनों हाथ बजरंगबली के मंदिर में जा करके बिल्कुल लेट जाते हैं बिल्कुल नहीं सोते नहीं जाते समझ रहे हैं ना दंडवत क्या होता है. बिल्कुल ऐसे हाथ ऐसे करके जमीन पे सो के भगवान को प्रणाम करते हैं अपना आदर दिखाते हैं भगवान को कि हम कितना क्या नहीं वो दूसरा चीज परिक्रमा होती हो मेरी बात सुनिए रिकॉर्ड भी हो रहा है आपकी परिक्रमा का ठेका नहीं लिया मैंने ठीक है ना मुझे यूट्यूब पे भी डालना है इसे. जो समझा रहे हैं उतना सीखिए विशेष ज्ञान के लिए धूप में खड़े हो जाइए. तो बलवन ने क्या किया कि पहला बताया कि डिवाइन राइट ऑफ द किंग मतलब राजा जो है भगवान का रूप है. जिस तरह भगवान होते हैं उसी तरह धरती पे राजा भी भगवान है और आपको उसको भगवान की तरह ही उसका सम्मान करना चाहिए. अब भगवान है तो उनको प्रणाम करेंगे ना जाति क्या क्या हेलो बजरंगबली हाय हाउ आर यू ऐसे तो नहीं करते ना हाथ तो जोड़ते हैं. और अगर ज्यादा आपको तकलीफ हो तो सीधे जमीन पे लौट जाएंगे है कि नहीं ऐसा ही होता है. तो उसी तरह सिजदा प्रथा हुई कि राजा के सामने सुल्तान के सामने जो भी आएगा साष्टांग दंडवत करेगा सो करके अपने घुटनों पर झुक करके उनको प्रणाम करेगा. राजा का जो सिंहासन होता था समझ रहे हैं ना वो एक हाइट पे बनाया जाता था. बलबन ने ये स्टार्ट कराया था कि सारे दरबारी या मंत्री नीचे होंगे और वो एकदम ऊंचे ऐसे करके आपको देखना होगा. रावण का देखा है ना रामायण में कितना ऊंचा उसका सिंहासन था कितनी सीढ़ियों को चढ़ करके जाना पड़ता था. विभीषण को लात मारी रावण ने तो लुढ़कते हुए 10-20 सीढ़ी नीचे आ गए थे. तो इस तरह से बनाया. उसके बाद उसने सिजदा प्रथा तो मैंने बता ही दी कि मैंने झुक करके है ना अपना जो भी है डिवाइन दिखाना. और साथ ही साथ उसमें बलबन ने क्या किया कि जो भी लोग विद्रोह कर रहे थे उनको दबा दिया. मेवाड़ के जो राजपूत थे उनको विद्रोह में जब उन्होंने विद्रोह किया राजा के खिलाफ रिवोल्ट किया तो आर्मी भेज करके और खुद भी जा करके उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया. और कोई भी आदमी के अंदर अब हिम्मत नहीं रही करेज नहीं रहा है ना कि राजा के खिलाफ हम खड़े हो सके समझ रहे. तो बलबन ने ये सारे काम किए. बलबन का जो खौफ था इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था क्रूएल था निर्दयी समझते ना क्रूएल बहुत ज्यादा क्रूएल किंग था. उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था. अब देखते हैं आगे. बलबन ने एक काम और किया था. आपने मंगोल का नाम सुना है ना जो क्या कहते हैं मंगोलिया का नाम सुना होगा. चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया. वहां के लोग है ना बहुत ही खतरनाक होते थे. वो किसी ना किसी देश पे अटैक करके तू बेटे नोट चेक कराना है लड्डो ऊपर से नीचे तक है ना तेरे आज नील पड़ेंगे ना हुआ तेरा तो याद है ना कर रखा है तू गया शनि है तो किसी ना किसी पे भारी होगा ना. मंगोल के बारे में देखो तो मंगोलिया चीन के ऊपर एक देश है. वहां के लोग जो होते हैं ना एकदम बर्बर जंगली टाइप के होते हैं ठीक है. वहां का चंगेज खान वहां का एक राजा था जिसने दुनिया में बहुत दूर दूर जगह तक कब्जा कर रखा था.
भारत पर भी उसके बहुत अटैक हुए। तो जब भारत पर चंगेज खान ने अटैक किया ना, ठीक है, मंगोल राजा था वो, तो उस समय बलबन ही दिल्ली का सुल्तान था, और इसने उस अटैक को खत्म कर दिया, मतलब कि उन लोगों को जीतने नहीं दिया, उन लोगों को भगा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद शमसुद्दीन कैमूश जो था ना, इसमें दिया नहीं, मैं आपको अपने तरफ से बता दे रहा हूं, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग था। ठीक है, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और स्लेव डायनेस्टी की जगह अब खलजी डायनेस्टी आती है। पद्मावत मूवी देखी है किसी ने? इसमें क्या, पद्मावत, उसमें ना अलाउद्दीन खलजी का नाम सुना होगा, वो जो मुस्लिम राजा रहता है एकदम क्रूएल वाला, उसी के बारे में पूरा है। देखो, जो खलजी डायनेस्टी थी, खलजी लोग थे कौन पहले ये जान लो। स्लेव डायनेस्टी के अंदर इन्हीं के मंत्री होते थे, सरदार होते थे, सेना में शामिल थे ये लोग। तो जलाउद्दीन फिरोज खलजी ने स्लेव खलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी, फर्स्ट किंग था वो। ठीक है, उसने क्या किया कि बलबन के मरने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कॉन्कर कर लिया दिल्ली को, और वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया कि मैं ही यहाँ का सुल्तान हूं, अब ये पूरा राज्य मेरा ही है। ठीक है, मान लो कि कोरोना ऐसा फैल जाए, कोई बीमारी ऐसी फैल जाए कि अड़ोस पड़ोस के बहुत लोग मर जाए और आप बच जाओ, तो उसके प्लॉट और किले पे कब्जा ना कर लोगे? भाई मेरा ही है, होता है ना ऐसा। उसी तरह जब वह दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है, कौन, जलाउद्दीन फिरोज खलजी, तो उसकी उम्र 70 साल की, समझ रहे हो, 70 साल का बुढ़ा था और वो दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, लेकिन जैसे ही अभी कुछ दिन उसने राज्य किए होंगे, 1 साल 2 साल, तो उसका भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खलजी, उसी के ऊपर पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, वही अलाउद्दीन खलजी, उसने अपने चचा जान का टाट काट दिया, गला काट दिया, खत्म कर दिया। वैसे गला नहीं काटा था, मैं बता रहा हूं, जब जलाउद्दीन खलजी दिल्ली लौट रहा था तो उसकी स्वागत के लिए अलाउद्दीन खलजी ने, उसके भतीजे ने, एक लकड़ी का एक बिल्डिंग सा बनवाया, टेंट सा बनवाया था, और जानबूझ के ऐसा बनवाया था कि उसके गिरने के चलते उसी में दबके वो मर जाए। तो जलाउद्दीन खलजी ऐसे मर गया था, और जैसे ही जलाउद्दीन खलजी मरा तो उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खलजी, जिसने उसको मारा था, वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए, ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 तक, समझ रहे हैं, मतलब आप मान लो कि कम से कम 330 साल तक, 330 ईयर्स तक पूरे ये मुस्लिम शासक रहे। उसके बाद तो 1526 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, और उसके बाद यहाँ पे मुगल आ गए, बाबर का नाम सुना होगा, पहला मुगल एम्परर। तो ये 350 सालों में जितने भी दिल्ली के सुल्तान हुए, उसमें सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो किंग था वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, आप कुतुब मीनार गए होंगे, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे सीरी का किला बनाया था, मतलब वहां छोटे मोटे जो भी बिल्डिंग उल्डिंग दिखती है ना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हौज खास का नाम सुना होगा, साउथ दिल्ली में जितनी भी बिल्डिंग उल्डिंग दिखती है लगभग ये इसी के समय बनी हुई थी। अब देखो इसने क्या क्या किया, ये देखो दो चीज इसमें बड़ी खास थी। एक, ये एक बहुत बड़ा योद्धा था, आर्मी कमांडर बड़ा जबरदस्त था, जहां भी चला जाता था, जिस बैटल में चला जाता था, जीत के आता था। ठीक है, बहादुर लोग ही तो कर सकते हैं। अब चिक्की को बैटल के लिए भेज दो तो उधर से मुक्का खा के आ जाएगा, है कि नहीं? तो वही बात है, अलाउद्दीन खिलजी कभी मुक्का खा के नहीं है, वो जीत के आया है ना। और दूसरा, ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा था। तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि प्रशासन चलाना, कि कहाँ कैसे सड़क कैसे बनेगी, नहर कैसे बनेगी, उस जमाने के हिसाब से करें, किस आदमी से कितना टैक्स लेना है,
कैसे बिजनेस चलेगा, फॉरेन ट्रेड मतलब विदेश से जो व्यापार है दूसरे देशों से कैसे व्यापार चलेगा, इन सब चीजों की इसको बड़ी समझ थी और इसने सब चीज को कंट्रोल किया और अच्छे तरह से चलाया भी। ठीक है, देखो कैसे किया। जिस तरह आपने सिकंदर का नाम सुना है ना अलेक्जेंडर का, वो क्या चाहता था कि पूरी दुनिया को हम जीत ले, विश्व विजेता बन जाए, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं हो जो मेरे अधिकार में नहीं, यही ना सिकंदर सोचता था। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी भी सोचता था कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, भारत ही नहीं, सबको हम जीत लें। इसके लिए इसका एक गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, उसका नाम था मलिक काफूर, समझ रहे ना, मलिक काफूर। तो आपको मैं बताऊं, दिल्ली में दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब जितने भी राजा थे। तो आप ये मत सोचिएगा कि जितना बड़ा हिंदुस्तान, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे भी इन्हीं के अधिकार में थे, ऐसा नहीं था। केवल मध्य प्रदेश से ऊपर का जो हिस्सा है ना भारत का, केवल आधा भारत जो ऊपर का था वही केवल इनके कब्जे में था, पूरा भारत या पूरा इंडिया नहीं था, समझ रहे। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने कि साउथ इंडिया में भी तमिलनाडु से लेके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, हर जगह तक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सारे के सारे जगहों को जीता और अपने राज्य में मिलाया। दिल्ली का ये पहला सुल्तान था जिसने पूरी की पूरी भारत को जीत करके दिल्ली सल्तनतें मिला दी, ऐसा कोई नहीं था। और साउथ इंडिया में जितने भी जगह जीते गए उसमें इसका सबसे बड़ा जो कमांडर था या जिसने सबसे अधिक काम किया उसका नाम मलिक काफूर, समझ रहे। इसने भी बलबन की तरह ही एक स्पाय सिस्टम बनाया, जासूसी व्यवस्था बनाई, पूरे हर स्टेट, हर जिले में, हर गांव तक है ना इसके जासूस फैले हुए थे, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से इसके खिलाफ जो विद्रोह हो तो उसको पहले ही पता चल जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी या रिवोल्ट का पता लगाने के लिए, इरेगुलरिटी का पता लगाने के लिए ये अपने स्पाई या जासूसों को भेजता था। साथ ही साथ हर जगह नाप तौल सही हो रही है कि नहीं, बाजारों में कोई बनिया या कोई दुकानदार कम तो तौल के नहीं बेच रहा, कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है ना, इस तरह की गड़बड़ियों को चेक करने के लिए भी अपने अधिकारी या ऑफिसर रखता था। इसने साथ साथ इसने क्या किया कि अब खुद सोचो कि अनाज को अगर ज्यादा, किसी साल ज्यादा पैदावार हो जाती है, किसी साल कम होती है, अच्छी बारिश हुई तो अच्छी खेती हुई और बारिश नहीं हुई तो खराब खेती होगी, है कि नहीं गरिमा प्रतीक्षा व्हाटएवर। तो इसने क्या किया कि गोडाउन बनवाया, ये पहला राजा था जिसने गोडाउन बनवाया, बड़े बड़े गोदाम बनवाए कि अगर अच्छी खेती होती थी ना तो अनाज को लेकर के वहां स्टोर करवा देता था, ठीक है, कि अगर किसी साल अगर खराब खेती हो, अनाज ज्यादा नहीं हो तो अनाज को दूसरे लोगों को बेच सके या दे सके ताकि जनता खाए बिना ना मरे, ये भी काम इसने किया था। और जो लोग भी इसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कहा जाता था कि जो दुकानदार या शॉपकीपर या बानिया, अगर मान लो आपने 1 किलो पनीर मांगा, शुभम की मम्मी ने कहा कि बेटे शुभम जा 1 किलो पनीर ले आ, बानी ने तौल के इसको क्या किया 750 ग्राम ही पनीर दिया, 250 ग्राम चोरी कर ली उसने। अगर अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चल जाए कि शुभम को 250 ग्राम कम पनीर मिली है तो पता है क्या होगा, उस बानिए की 250 ग्राम मांस को काट लिया जाता था, ये सजा थी, जिसने जितने वेट की चोरी या गड़बड़ी कितना उसका उतना मांस काट के हटा दिया जाता था। तो बेटे बताओ 250 ग्राम पनीर चुराने के लिए कोई अपना 250 ग्राम मांस को निकलवाएगा, था ना स्ट्रिक्ट माने कि पनिशमेंट, कोई हिम्मत ही नहीं करता था, है कि नहीं, तू तो बेटे करिए भी मत। दक्ष पाव मानसी हो वो भी अलाउद्दीन खिलजी निकाल ले तो हड्डी पे कैसे गाड़ी चलेगी। तो मतलब ऐसा था कि उसके समय में है ना बड़े कड़े कानून थे, लोग डरते थे, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते थे, ये सारी अच्छी व्यवस्थाएं थी उसकी। रेवेन्यू पॉलिसी मतलब कि टैक्स लेने वाली पॉलिसी कैसी थी वो देखिए, निंदा रही है क्या भाई ऋतिक,
तो अलाउद्दीन खलजी की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राजा है, ठीक है, अब यहां पर आप अपने देश की बात सोच लो। मान लो कि गवर्नमेंट सड़क बनाती है ना, रोड बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, वैक्सीन बनवा रही है लोगों के लिए, टीके लगवा रही है, हेल्थ की गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ की फैसिलिटी देती है, सब लोग जाके अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि टैंक खरीदती है, आर्मी के सामान खरीदती है, सब कुछ, इतना सरकार का तो बहुत खर्च है कि नहीं। तो सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आता है? अब ये मत कहना सरकार तो पैसे ही छापती है, ऐसा नहीं होता। हाँ बेटा, मान लो कि जो आपने टी शर्ट पहन रखी है, जो आपने अपने हाथ में बैग ले रखा है, दुकान से ही तो खरीदा होगा। और हर दुकानदार क्या करता है कि आपको इसके जब बेचता है ना, तो इसके टैक्स भी उसके साथ वसूल लेता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, वो फैक्ट्रियों से या बड़े बड़े कंपनियों से टैक्स लेती है, ठीक है। तो वो टैक्स कौन देता है? अभी शांत रहिए, ये कोई डाउट्स नहीं, अपना ज्ञान मत बताइए, डाउट्स होगा तो मैं आपसे देख लूंगा, ठीक है। पहले मेरे को बता लें दो, उसके बाद डाउट्स बोलो। तो सरकार टैक्स लेती है ना, आप अगर पार्ले जी का एक बिस्किट खरीदने जाते हो तो उस बिस्किट पे भी 10 पैसे, 15 पैसे, जो भी होगा 20 पैसे, वो आपसे टैक्स लिया जाता है। वो सारा का सारा टैक्स किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है, ताकि सरकार आपके और हमारे जरूरत की जो भी चीजें हैं अपनी पूरी कर सके, अपना खर्च पूरा कर सके। तो उस जमाने में भी ऐसा था, तो उस जमाने में इंडस्ट्री तो थी नहीं, जो था खेती बाड़ी का काम। तो जितने भी किसान होते थे वो राजा को कर या टैक्स देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है ना, बहुत लालची आदमी था। वो पता है क्या करता था कि अगर मान लो आपके पास है ना 10 क्विंटल गेहूं हुआ, खेती की तो फसल काटी तो 10 किलो गेहूं हो गया, उसमें से 50% वो कहता था मुझे टैक्स दे दो। मतलब 10 क्विंटल गेहूं हुआ तो 5 क्विंटल सीधे गेहूं आपको राजा को देना होगा, समझ रहे हैं? मतलब 50% टैक्स हो गया, समझ आई बात? मान लो कि तुमने है ना, क्या कहते हैं, 10 रोटी बनाई, 10 पिज्जा बना लिया मान लो, ठीक है। और मान लो कि कोई जो तुमसे बड़ा है कहे कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम 5 पिज्जा लेके चला जाए, तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, देना पड़ेगा भाई, राजा है वो, और ज्यादा करोगी तो गर्दन काट देगा। राजा तो ऐसे ही था ना, उससे कौन पंगा लेगा। तो जिस तरह से बेटा अभी हम इसको क्या टैक्स कहते हैं ना, या कर कहते हैं, तो उस जमाने में फारसी भाषा में, फारसी लैंग्वेज में इसको खराज, ख रा ज, खराज, KHARAJ, खराज। इस जमीन का जो रेवेन्यू था या टैक्स होता था, जमीन के बदले जितना जमीन था, पैदावार जो होती थी उसके बदले जो टैक्स देना होता था, उसको खराज कहा। ये दो तरह से होते थे, जो लोग अनाज में देना चाहे अनाज में दे सकते थे, और जो चीज क्वेंस या सिक्कों में, करेंसी में देना चाहते थे, वो करेंसी में भी दे सकते थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। साथ ही साथ शराब बेचने पे पाबंदी थी, कोई भी आदमी शराब नहीं बेच सकता था, नहीं बना सकता था। और अधिकतर जो बड़े पढ़े लिखे या जो भी लोग थे मंत्री वंत्री, वो लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मंत्री होते थे उनको क्या होता था, इल्तुतमिश ने इकताएं दे रखी थी ना, जमीन का एक हिस्सा ही दे देता था कि यही तुम्हारी सैलरी है, यहां से जो भी टैक्स आएगा वो आपका हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये करा दिया बंद। उसने क्या कराया, उसने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, जो भी मंत्री या जो भी ऑफिसर काम करेंगे हमारे पास, हम उनको डायरेक्ट कुछ ना कुछ पैसे ही दे देंगे, लेकिन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे। पूरा का पूरा जो देश का लैंड होगा वो राजा का होगा, वो सारा टैक्स राजा के पास ही आएगा, किसी बीच में आदमी को जमीन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे देखिए, साथ ही साथ उसने क्या किया, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया। अभी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, पैसे कौड़ी से लेकर के जो मनी होता है ना, मनी और जो बिजनेस का काम होता है, ये इकोनॉमी में आता है, ठीक है। जैसे बड़े हो गए बेटा, अभी 9th 10th में जाओगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा आप लोग, अर्थशास्त्र।
तो उसने पहले क्या किया कि हर चीज की कीमत फिक्स करा दी कि पूरे देश में गेहूं इसी रेट पे बिकेगा, चावल इसी रेट पे बिकेगा, कोई ना ज्यादा ले सकता है, कोई भी ज्यादा रेट नहीं ले सकता या ज्यादा में नहीं बेच सकता। सबकी मंडियां बना दी, मंडी समझते हैं ना, जहां पर सारे चीज के बाजार लगते हैं पूरे, और उसमें ऑफिसर सहना ए मंडी, इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सहना ए मंडी नाम का एक ऑफिसर होता था, वो सारे के सारे मंडियों में है ना जांच करता था कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, और जो गलत करेगा पता ही है बेटे, दक्ष, उसका मांस काट लिया जाएगा, चिक्की को कोई दिक्कत नहीं, ये तो कितनी भी चोरी कर दे नाप तौल में, काटते जाओ कितना काटोगे, मैं दुबला भी हो जाऊंगा, मांस फेंक देते थे, पालतू जानवरों को खिला देंगे कुत्ते को, और क्या, अब वो थोड़ी खाते थे भाई, कोई बकरे का मांस थोड़ी था, मुर्गे का, आदमी का मांस कौन खाएगा, सजा के लिए ऐसा किया जाता था, समझ रहे ना। और हाँ, अगर मान लो कि चोरी, जैसे मान लीजिए अब मैं दक्ष की, क्या नाम है इसका, चिक्की की दुकान पे जाऊं, अगर इसकी शॉप हो और ये मेरे को 250 ग्राम पनीर कम दे दे, तो वो अगर मैं चाहूं तो इसका मांस लेके आ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं, मैं तो फेंक ही दूंगा। तो हर चीज की एक मंडी होती थी, वहां पे रेट फिक्स होते थे, नाप तौल में कोई चोरी नहीं कर सकता था वेट में, ठीक है, कोई मिलावट नहीं कर सकता था, और साथ ही साथ ऑफिसर अपॉइंट होते थे जो जांच पड़ताल करते थे, पता चल जाएगा ना, वो जासूस बन के चलते थे ना, उनके जासूस भी तो घूमते रहते थे, और पता चल जाए, मान लो कि तुमने पनीर कहीं से लेके आया, चिक्की की दुकान से लेके आएगा जैसे मान लो शुभम, और फिर श्रद्धा के दुकान पे तौलवा के देख ले, भाई देखना श्रद्धा ये जरा कहीं कम तो नहीं दिया है, तो कि बहुत कम दिया है 250 ग्राम, दौड़ता दौड़ता जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के पास शुभम, और उसका मांस कटवा के ले आएगा, है कि नहीं। देखिए तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझ गए ना, कितना बड़ा राजा था और कितने बड़े बड़े काम करता था। तो आज अलाउद्दीन चचा तक ही रोक देते हैं हम लोग, और अगले दिन जब भी हमारा SST होगा तो हिस्ट्री में ये चैप्टर बेटा सीधे हम लोग पूरा, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो, एक यहाँ पे मलिक काफूर, इसका एक मंत्री था, मैंने बताया था ना कि साउथ का जो साउथ इंडिया पूरा जीता गया वो इसी कमांडर के द्वारा जीता गया था, चक्कर आ रहे हैं ना, ना ना चक्कर में ठीक करता, ठीक है, रुक जाएगा।